दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जाने वाली T20 सीरीज से ठीक पहले भारतीय टीम के दो स्टार खिलाड़ी हुए T20 सीरीज से बाहर। घोषित हुई भारतीय टीम की नई T20 स्क्वाड। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन और चाहते हैं कि भारतीय टीम वेस्ट इंडीज को T20 सीरीज में भी हरा दे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। भारतीय क्रिकेट टीम को वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज से पहले दोहरे झटके लगे हैं। टीम के उपकप्तान KL राहुल और ऑलराउंडर अक्षर पटेल सीरीज से बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शुक्रवार 11 फरवरी को एक बयान जारी कर बताया है कि दोनों खिलाड़ी फिटनेस कारणों से 3 मैचों की T20 सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। ये सीरीज 16 फरवरी से शुरू होगी और सभी मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले जाएंगे। राहुल हाल ही में वनडे सीरीज का हिस्सा थे, लेकिन सिर्फ दूसरे वनडे में शामिल हो सके थे। भारतीय बोर्ड ने अपने बयान में बताया है कि राहुल को दूसरे के दौरान चोट लगी थी, जबकि अक्षर पटेल कोरोना संक्रमण से उभर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इन दो खिलाड़ियों के बदले टीम में ऋतुराज गायकवाड़ और दीपक हुड्डा को शामिल किया गया है। तो आइए दोस्तों नजर डाल लेते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारतीय टीम की नई T20 स्क्वाड के ऊपर। दोस्तों रोहित शर्मा कप्तान, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत विकेटकीपर, वेंकटेश अय्यर, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार, अवेश खान, हर्षल पटेल, ऋतुराज गायकवाड़ और दीपक हुड्डा। तो दोस्तों ये है भारतीय टीम की नई T20 स्क्वाड। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।